नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा वाइन टीजीटी पीजीटी में। दोस्तों, हमने अभी पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमने बताया था सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा स्थल के बारे में। आज हमारी जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो जो मोहनजोदड़ो है उसका जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहाँ से जो है बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जो कि कुषाण वंश का एक शासक है कनिष्क, उसके समय के यहाँ पर काफी एविडेंस मिले हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और जो इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की वो की थी आर डी बनर्जी ने। इनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी, जिन्होंने की थी 1922 ईस्वी में। तो नोट डाउन कीजिए मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहां से कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल के समय के काफी एविडेंस मिले हैं, एक बड़े पैमाने पर मिले हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल के कनिष्क के काल के साक्ष्य मिले हैं। इसके मिले हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल के यहां पर जो एविडेंस मिले हैं वो कनिष्क के काल के समय के इसमें एविडेंस मिले हैं। इसी में जो मोहनजोदड़ो है, तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, देश कौन सा है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के ये तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। इसी में मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो की है आर डी बनर्जी ने, जिनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी, और कब की थी? 1922 ईस्वी में। तो खोजकर्ता कौन है इसके? जो खोजकर्ता हैं वो है राखल दास बनर्जी, जिनको क्या बोलते हैं? आर डी बनर्जी भी बोलते हैं। और कब की थी इन्होंने खोज? वो की थी 1922 ईस्वी में। कब की थी? 1922 ईस्वी में। यहीं पर मोहनजोदड़ो की जो नगर की जो संरचना है तो उसमें क्या है? पश्चिम और पूर्व में, तो जो पश्चिम में है वो दुर्ग है और पूर्व में क्या है? पूर्व में नगर है। तो दोनों की ही किलेबंदी की गई है चारों तरफ से। तो क्या है इसमें नगर संरचना? तो नगर संरचना में पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में तो है नगर, क्या है पूर्व में? नगर है। और पश्चिम में क्या है? दुर्ग। तो इनकी चारों तरफ से, पूर्व में जो नगर है, पश्चिम में जो दुर्ग है, इनकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई है। तो आप नोट डाउन कीजिए इसी में क्या है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो आप क्या बताएंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला।
ये एग्जाम में आ ही जाता है, मतलब कई बार ही आया है एग्जाम में, तो इसमें आप बताएंगे इसमें मोहन जोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। और इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकते हैं कि मोहन जोदड़ो में किसके समय के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कौन सा ऐसा एक महान मतलब जो राजा था उसके समय के इसमें साक्ष्य मिले हैं, तो कनिष्क के काल के समय के इसमें साक्ष्य मिले हैं, जो कि किस समय का था, कुषाण वंश के समय का था, कुषाण वंश के समय का था जो कनिष्क था उसके समय के इसमें एविडेंस मिले हुए हैं। इसी में है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि इसके मोहन जोदड़ो की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो आप बताएंगे राखल दास बनर्जी ने, और शॉर्ट में इनका नाम है आरडी बनर्जी, इन्हीं का जो फुल नेम है वो है राखल दास बनर्जी। कब की थी खोज, 1922 ईस्वी में, और हमने आपको हड़प्पा बताया था, हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में खोज हुई थी, वो की थी दयाराम साहनी जी ने। ये दोनों ही क्वेश्चन है जो कि हर बार टीजीटी में एक ने एक या तो ये पूछ लिया जाता है कि मोहन जोदड़ो की खोज किसने की थी और कब हुई थी, या हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब हुई थी, इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन बनता ही है। तो आपका ये हुआ। नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे जो यहाँ पे एविडेंस मिले हैं, तो क्या बताएंगे हम इसमें, नेक्स्ट बताएंगे एविडेंस के बारे में। तो हमारा जो इसमें जो एविडेंस है, जैसे कि यहाँ पर विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं यहीं पर पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसे हम योगी की मूर्ति भी बोलते हैं, और इसी में काश्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं, मन का मिला है इसमें, इसी में संयुक्त मूर्ति, ये सभी इसमें एविडेंस मिले हैं। तो हम एक एक पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इसके जो साक्ष्य हैं, पहला साक्ष्य जो यहां से मिला है वो मिला है विशाल स्नानागार। क्या मिला है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। इसी में जो सेकंड मिला है वो मिला है विशाल अन्नाकार, विशाल स्नानागार नहीं है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। तो इसी को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। विशाल स्नानागार को क्या बोला था सर जॉन मार्शल ने, विश्व का एक विशाल आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। किसने बोला है, सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। क्या बोला है, ये आश्चर्यजनक इसको निर्माण कहा है, किसने बोला है, विशाल स्नानागार को, सर जॉन मार्शल ने। इसी में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है विशाल अन्नागार। क्या है, विशाल अन्नागार, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंटों से बनी सबसे विशाल संरचना बताया गया है, उसको ईंटों से बनी सबसे विशाल संरचना बताया गया है। सेकेंड एविडेंस क्या मिला है, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में इसे जितने भी मतलब एविडेंस मिले हैं, चाहे हड़प्पा में मिले हों, चाहे लोथल में, कालीबंगा में, या मोहन जोदड़ो में, उन सभी में इसको जो है ईंटों से बनी एक विशाल संरचना बताया गया है। सबसे बड़ी जो संरचना बताया है वो इसी को बताया है, ईंटों से बनी, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल ईंटों से बनी संरचना बताया गया है, इसे संरचना
बताया गया। इसी में नेक्स्ट जो एविडेंस मिला है वो मिला है सभा भवन का। तो सभा भवन को अलग अलग जो है जो अलग अलग आर्टिस्ट हैं अलग अलग जो हैं उन्होंने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताया है कि सभा भवन को किसी ने तो बाजार बताया है, किसी ने धर्म चर्चा स्थल बताया है, तो किसी ने उसको सभा भवन ही बताया है। तो किस किस ने कैसे कैसे बताया अपने विचारों से इसमें बताएंगे। सबसे पहले थे इसमें मैके। तो जो मैके थे उन्होंने सभा भवन को क्या बोला है, सभा भवन को उन्होंने बताया है मैके ने बताया है इसको बाजार लगाने का स्थल। क्या बताया है इसे, बाजार लगाने का स्थल, मतलब कि मार्केट। फिर आते हैं नेक्स्ट इसी में के एन दीक्षित जो है उन्होंने बोला है इसे धर्म चर्चा स्थल। क्या बोला है इसको, धर्म चर्चा स्थल। नेक्स्ट आते हैं व्हीलर। नेक्स्ट कौन है, व्हीलर। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इसको अपने विचार से एक मान्य विचार दिया इसे, इन्होंने बोला सभा भवन। इसको क्या बोला इन्होंने, सभा भवन, जो कि इनका मान्य विचार है। तो ये हो गए जो सभा भवन को अलग अलग सबने अपने अपने विचारों से जो भी बताया। तो मैके ने बताया है इसको बाजार लगाने का स्थल। क्या बताया है, बाजार लगाने का स्थल, जिसे बोलते हैं मार्केट भी। नेक्स्ट के एम दीक्षित जी ने बोला है इसको धर्म चर्चा स्थल सभा भवन को। और व्हीलर ने अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि इसको उन्होंने सभा भवन ही बताया है। इन्होंने क्या बताया है, सभा भवन ही बताया है इन्होंने। इसी में नेक्स्ट जो इसमें एविडेंस मिला है, तो नेक्स्ट एविडेंस है इसमें काश्य नृत्य की, डांस करती हुई लड़की नृत्यरत युवती। तो उसमें क्या है, वो जो है काश्य जो नर्तकी है वो एक नृत्य अवस्था में है, जो कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में है, और उसका जो एक हाथ है उसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ है। तो इसकी ये विशेषता है कि इसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ है, ये काश्य से बनी हुई मूर्ति है और ये पूरी तरह से नग्न अवस्था में बनाई गई है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए कि ये कहां पर है, तो ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कहां पर है ये, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट एविडेंस क्या मिला है, काश्य नृत्य का, नृत्यरत युवती। नेक्स्ट एविडेंस है हमारा चौथा एविडेंस क्या है, काश्य नृत्य की नृत्यरत युवती। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो विशेषता है इसमें क्या है कि ये कांसे की बनी हुई है, और इसका एक हाथ कमर पर है। एक हाथ कहां है, एक हाथ कमर पर है और ये नृत्य अवस्था में है। और पूरी तरह से क्या है, नग्न अवस्था में बनाई गई है। अब इसी में इसकी लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। क्या है इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर है। और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो ये कहां पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय
राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इसी में नेक्स्ट बताएंगे कि इसको जो बनाने की विधि क्या है। तो इसको कई तरीके से बनाया गया, इसको बंद सांचा विधि से बनाया गया, इसी को ढोकरा पद्धति होती है उससे बनाया गया, और इसको बंद सांचा विधि से ढोकरा पद्धति से बनाया गया, और द्रवी भ्रष्ट मोम विधि से इसको बनाया गया, और इसी को मधु चिष्ठा एक विधि होती है उससे बने, इसे कई तरीके से इसको बनाया गया था। तो इसकी बनाने की विधि को लिख लीजिए, इसकी जो बनाने की विधि है वो है जैसे कि ढोकरा पद्धति में इसको बनाया गया, कई अलग अलग तरीकों से इसको बनाया गया, ढोकरा पद्धति से बनाया गया इसको, मधु चिष्ठा विधि से बनाया गया, मधु चिष्ठा विधि से बनाया गया इसको। नेक्स्ट इसमें द्रवी भ्रष्ट मोम विधि, द्रवी भ्रष्ट मोम और बंद सांचा विधि, बंद सांचा विधि। तो आपका जो एविडेंस ये मिला है मोहनजोदड़ो में काश्य नर्तकी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि जो काश्य नर्तकी है, नृत्यरत जो युवती है, वो किस स्थल में पाई गई है। तो आप क्या बताएंगे, ये पाई गई है काश्य नर्तकी मोहनजोदड़ो में। किस में पाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाई गई है, ये मोहनजोदड़ो स्थल में ये पाई गई है। और ये कैसी अवस्था में है, तो आप बताएंगे नेत्ररत अवस्था में है, ये नेत्ररत अवस्था में है, और ये नग्न अवस्था में ये बनाई गई है। कांसे की है ये, इसका जो एक हाथ है वो कहां पर है, कमर पर रखा हुआ है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, और ये कहां पर है, ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहां है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है ये। इसको बनाने की जो विधियां हैं, अलग अलग विधियां बताई गई, जैसे कि इसकी ढोकरा पद्धति बताई गई है। कुछ भी पूछ सकते हैं कि अगर उसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है एग्जाम में कि जो काश्य नर्तकी है उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे देंगे। अगर उसमें आ गया कि ढोकरा पद्धति में बनाई गई है कौन सी, तो आप बताएंगे काश्य नर्तकी बनाई गई, जो कि एक नृत्यरत युवती भी इसको बोला जाता है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। और इसी में जो नेक्स्ट आपका जो एविडेंस है वो है पुरोहित की मूर्ति, जिसे बोला जाता है योगी की मूर्ति भी इसको बोला जाता है, जो कि अगर वर्तमान में उसकी स्थिति के बारे में बात की जाए तो वो कहां है, वो कराची संग्रहालय में है। कहां पर है, कराची संग्रहालय, जो कि पाकिस्तान में है, तो वो वहां पर है। और उसकी लंबाई की बात की जाए तो 19 से 24 सेंटीमीटर उसकी लगभग उसकी लंबाई के बारे में बताया गया है। तो हम नेक्स्ट एविडेंस के बारे में बताएंगे, पुरोहित की मूर्ति या योगी की मूर्ति। नेक्स्ट एविडेंस क्या है हमारा, जो नेक्स्ट है वो योगी की मूर्ति या पुरोहित की मूर्ति। तो हमारा पांचवा जो एविडेंस है वो है पुरोहित की मूर्ति या योगी की मूर्ति। तो जो पुरोहित की मूर्ति है तो ये कहां पर है, ये कराची संग्रहालय पाकिस्तान, कराची संग्रहालय पाकिस्तान में ये है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो कितनी है, 19 से लगभग 24 सेंटीमीटर की लंबाई बताई गई है। और ये किस उसमें मतलब ये किस चीज से बनाई गई है, ये किस पत्थर से बनी है, तो ये बनी है सैलखड़ी पत्थर से। किससे बनी है ये जो बनी है, ये बनी है सैलखड़ी पत्थर से। किस कौन से पत्थर से बनी है, जिसको बोलते हैं स्टेटाइस पत्थर भी इसे बोलते हैं। तो सैलखड़ी पत्थर से या स्टेटाइज पत्थर से ये बनाई गई है। अब इसी में इसकी जो विशेषता रही है, ये क्या है, ये एक श्रीयुक्त धड़ है। कैसा है ये एक श्रीयुक्त धड़ है, और इसकी जो जो ये एक श्रीयुक्त धड़ है, और इसमें क्या है, इसका जो जो वो सॉरी जो इसका जो फेस है
जिसकी दाढ़ी दिखाई गई है वो कैसे दिखाई गई है, वो वर्गाकार बनाई गई है और एक मूंछ विहीन है ये। कैसा है ये? ये मूंछ विहीन है, मतलब इसकी मूंछें है ही नहीं। और इसी में है, इसी में नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है ये क्या है, ये शाल दुसाला ओढ़े हुए है और इसको इसके जो है जो बाल है उनको कंघी करके उसको केशबंद बनाया गया। तो पहले केशबंद बोला जाता था हेयर बैंड को, जैसे आजकल लड़कियां लगाती है हेयर बैंड तो उसको पहले केशबंद बोला जाता था। तो बालों को कंघी करके इसमें केशबंद करके इसको दिखाया गया है। तो अगर इसकी सुंदरता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इसमें अलंकारात्मक दिखाया गया है, अलंकारात्मक दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है कि इसके इसके बालों को लेकर बहुत ज्यादा इस पर चर्चा की गई है। मतलब इसके बालों में बहुत सुंदरता दिखाई गई है, उन पर बालों में कंघी करके अच्छे से और फिर उनको केशबंद इसमें दिखाया गया है। तो इसकी विशेषता क्या रही है कि ये की एक सिरयुक्त धड़ है। जो पुरोहित की मूर्ति है वो क्या है? सिरयुक्त, ये एक सिरयुक्त धड़ है और ये शाल दुशाला ओढ़े हुए है। क्या है? शाल दुशाला ओढ़े हुए है ये और वर्गाकार इसकी दाढ़ी है। कैसी दाढ़ी है इसकी? वर्गाकार, ये वर्गाकार दाढ़ी रखे हुए है। इसी में इसकी मूंछ विहीन, मूंछ विहीन आकृति बनाई गई है, मतलब इसकी मूंछ है ही नहीं। हाँ, और इसी में जो सबसे सुंदर इसका जो अलंकरण किया गया है वो क्या किया गया है? सुंदर अलंकरण किया गया है इसका, इसके जो बालों को केशबंद दिखाया गया है। केशबंद मीन हेयर बैंड से कंघी करके इसके बालों को दिखाया गया है। इसके बालों को कैसा दिखाया गया है? केशबंद मीन हेयर बैंड, हेयर बैंड लगाकर बालों को कंघी करके दिखाया गया है। हेयर बैंड लगाकर कंघी करके इसमें दिखाया गया है। तो ये है आपका पुरोहित की मूर्ति। जो पुरोहित की मूर्ति है वो कहां पर है? कराची संग्रहालय में है, जो कि पाकिस्तान में है। और ये 19 से 24 सेंटीमीटर इसकी लगभग लंबाई है। इसको जो बनाया गया सैलखड़ी पत्थर, स्टेटाइज पत्थर से बनाया गया है इसे। इसकी जो विशेषता रही है वो ये है कि ये एक सिरयुक्त धड़ है और इसी को साल दुशाला ओढ़े दिखाया गया है। इसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है? वो वर्गाकार दाढ़ी दिखाई गई है, इसकी मूंछें नहीं है। इसमें अगर सुंदरता की बात की जाए तो इसके बालों को बहुत अच्छे तरीके से कंघी करके और केशबंद करके दिखाया गया, जिसे हम केशबंद को आजकल क्या बोलते हैं? हेयर बैंड भी बोलते हैं। तो ये हो गया पुरोहित की मूर्ति। नेक्स्ट जो इसमें एविडेंस मिला है वो मिला है मनके का। किसका मिला है? मन का। तो मनके में क्या है? मनके में जो मनका है उसमें तीन बंदरों का अंकन है। मनके में क्या है? तीन बंदरों का अंकन है और तीनों ही जो बंदर हैं उनको एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए दिखाया गया है, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे सुंदर अंकन है। क्या है? सबसे सुंदर जो अंकन किया गया है वो मनके का ही किया गया है। तो नेक्स्ट एविडेंस क्या है? मनका। तो मनके में तीन बंदरों को अंकित किया गया है, मतलब तीन बंदरों को बनाया गया है। इसमें तीन बंदरों का इसमें अंकन है और इसी में तीनों बंदरों को कैसी अवस्था में दिखाया गया? एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है? एक दूसरे की कमर में हाथ डाले दिखाया गया है। और ये क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे सुंदर अंकन अगर बात की जाए तो ये है मन का। नेक्स्ट इसी में जो एविडेंस मिला है वो मिला है संयुक्त मूर्ति का। तो इसमें क्या है? संयुक्त मूर्ति में इसमें भेड़ और हाथी दोनों का मिश्रित रूप है। मतलब जो मानव का जो शरीर दिखाया गया है तो उसका निचला, उसका जो पूरा धड़ है वो तो भेड़ का बनाया गया है। अगर फेस की बात की जाए तो उसमें क्या है, मतलब मुंह की जगह पर सूंड लगा दी गई है। तो इसमें क्या है? संयुक्त अंकन किया गया है भेड़ और हाथी का। क्या है हमारा नेक्स्ट इसमें? संयुक्त मूर्ति। तो इसमें क्या है? इसमें भेड़ और हाथी का संयुक्त अंकन दिखाया गया है।
इसमें क्या है, भेड़ और हाथी का क्या है संयुक्त इसमें अंकन है इसमें। इसमें क्या है कि इसमें पूरा जो शरीर दिखाया गया है वो तो भेड़ का है और मुंह की जगह पर क्या लगा दी गई है, सूंड। तो जो पूरा शरीर है वो कैसा है, पूरा जो शरीर है वो भेड़ का दिखाया गया है, भेड़ का है और मुंह की जगह पर सूंड लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है इसमें, मुंह की जगह पर सूंड इसमें लगा दी गई है। और इसी में आपका नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो नेक्स्ट है, इसमें छोटे सींग वाले बलिष्ठ वृषभ भी इसमें दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं इसमें, छोटे सींग वाले बलिष्ठ वृषभ दिखाए गए हैं जो किससे बने हैं, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। नेक्स्ट एविडेंस क्या है, छोटे छोटे सींग वाले बलिष्ठ वृषभ को दिखाया गया है, बलिष्ठ वृषभ है जो कि किससे बना हुआ है, मृण मूर्ति के रूप में, मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब क्या होता है, मिट्टी की मूर्ति। इसी में नेक्स्ट जो एविडेंस है, अगर स्केल की बात की जाए, मोहनजोदड़ो के स्केल की बात की जाए तो कैसा स्केल पाया गया इसमें, सीप का स्केल। मोहनजोदड़ो में कैसा स्केल पाया गया है, सीप का स्केल। कैसा स्केल पाया गया इसमें, सीप का स्केल। अब हम माना तो इसी में जो मोहनजोदड़ो में जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो बताएंगे हम मोहरों के बारे में कि मोहनजोदड़ो में कैसी कैसी मोहर पाई गई है। तो सबसे पहले ऐसे कि पशुपति शिव की मोहर पाई गई है, इसी में क्या पाया गया है, इसमें लेटे हुए एक चबूतरे पर सांप को दिखाया गया है और तीन सर वाले व्याघ्रों को लड़ते हुए दिखाया गया है। तो ये सभी जो हैं इसमें मोहरें पाई गई हैं। तो हम एक एक मोहर के बारे में इसमें बताएंगे। तो हमारी जो पहली मोहर है वो क्या है, पशुपति शिव की मोहर। पशुपति शिव की मोहर पाई गई है। तो जो पशुपति शिव की मोहर है उसकी खोज करता है, उसके जो खोज करता है वो कौन है, मैके। और उसका जो पशुपति जो शिव की जो मोहर, जो मतलब पशुपति शिव की मोहर रखा गया, इसका जो नामकरण किया था वो किया था मार्शल ने। पहली हमारी मोहर क्या पाई गई है, पशुपति, पहली मोहर है पशुपति शिव की मोहर, मोहनजोदड़ो में जो पाई गई है, पशुपति शिव की मोहर। तो इसके खोजकर्ता कौन बताए हैं, खोजकर्ता हैं इसके मैके, इसके खोजकर्ता हैं मैके साहब। और नेक्स्ट इसी में जो इसका नामकरण किया, तो नामकरण किया था मार्शल ने। किसने किया था, मतलब पुरोहित जो नाम रखा वो किसने रखा था, मार्शल ने। हम इसमें आपको एक चित्र के द्वारा बताएंगे कि पशुपति शिव की मोहर जो दिखाई गई वो कैसी है। तो पशुपति जो शिव हैं, उनको कुछ ऐसा ही इसमें उनको दिखाया गया है। पशुपति शिव को कैसा दिखाया गया है, कुछ कुछ इसी टाइप का उनको उनको बनाया गया है पशुपति शिव को। जैसे कि ड्राइंग मेरी ऐसी है तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें ऐसे बनाया है। और इसमें क्या है, इनके दाएं और बाएं जो मतलब चीजें इनके बारे में, जो दाएं कौन कौन से इसमें मतलब जो एनिमल मिले हैं दाएं भाग में और बाएं भाग में, तो जो जानवर है जैसे दाएं में पाया गया है, दाएं पक्ष में जो पाया गया है इनके, वो पाया गया है हाथी और एक पाया गया है बाघ। क्या पाया गया है, हाथी और बाघ। अगर बाईं तरफ देखा जाए तो बाईं तरफ जो पाया गया गेंडा पाया गया है, गेंडा, और पाया गया है भैंसा। क्या पाया गया है, भैंसा। और नीचे दोनों तरफ जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं हिरण। क्या पाया गया है, दोनों तरफ हिरण पाया गया है।
ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे मतलब पशुपति शिव की मोहर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और इसी में जो नेक्स्ट जो मोहर पाई गई है वो पाई गई है तीन सर वाले व्याघ्रों को लड़ते हुए दिखाया गया है। तीन सर वाले नेक्स्ट जो मोहर है वो क्या है, पहली पशुपति शिव की मोहर है, इसी में नेक्स्ट है तीन सर वाले व्याघ्र की इसमें मोहर है जो कि उनको लड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तीन सर वाले व्याघ्र की मोहर पाई गई है। इसी में जो नेक्स्ट है वो दो बाघों से लड़ता हुआ एक अर्ध मानव को दिखाया गया है, दो बाघों से लड़ता हुआ क्या दिखाया गया तीसरी मोहर में, दो बाघों से लड़ता हुआ अर्ध मानव की मोहर है। इसी में नेक्स्ट जो मोहर है, चौथी जो मोहर है, एक चबूतरे पर श्याम को लेटे हुए दिखाया गया है, चबूतरे पर श्याम को लेटे हुए इसमें दिखाया, चबूतरे पर श्याम को इसमें लेटे हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट इसी में एक मोहर पर मस्तूलदार नाव का चित्र है, एक मोहर पर क्या है इसमें पांचवा जो है वो है मोहर, एक मोहर मस्तूलदार नाव की मोहर है, मस्तूलदार नाव की मोहर भी पाई गई है, मस्तूलदार नाव की मोहर पाई गई है। तो ये इसमें जो पाई गई है ये पाई गई है इसमें मोहरें पाई गई हैं। तो आज जो आपका है इसमें मोहरों में पशुपति शिव की मोहर इसमें पाई गई है, तो इसमें पूछा जा सकता है जो पशुपति शिव की जो मोहर है उसकी खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे मैके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नामकरण किसने किया था, दोनों अलग अलग हैं। खोजकर्ता के बारे में बात की जाए पशुपति शिव की मोहर की खोजकर्ता के बारे में, तो आप बताएंगे मैके, और पशुपति शिव की मोहर का जो नामकरण किया था वो किसने किया, तो आप बताएंगे मार्शल जी को। नेक्स्ट इसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में पूछा जाता है कि जो पशुपति शिव हैं उनके दाएं भाग में और बाएं भाग में मतलब कौन कौन से जानवर हैं जो पाए गए हैं। तो दाएं भाग में तो हाथी और बाघ पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं दाएं भाग में, हाथी और बाघ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसी में नेक्स्ट बाएं भाग में गैंडा और भैंस पाए गए, इनके नीचे दोनों तरफ जो है वो हिरण पाए गए, क्या पाए गए दोनों तरफ नीचे हिरण पाए गए। और तीन सर वाले व्याघ्र की मोहर पाई गई है इसी में, और दो बाघों से लड़ता हुआ क्या पाया गया अर्ध मानव की मोहर, इसी में मस्तूलदार नाव की मोहर है। और क्या है नेक्स्ट, एक चबूतरे पर, जैसे एक चबूतरा है उस पर एक सांप को लेटे हुए इसमें दिखाया गया है। तो ये है मोहनजोदड़ो की जो फेमस मोहर रही है, वो सभी मोहर आपकी ये हो गई। नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे अगली क्लास में, वो बताएंगे कालीबंगा के बारे में, लोथल, इन प्लेसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको अगर हमारा ये समझाया हुआ कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।